देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 309, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है ऐसा 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 ऐसा। इधर है 6x+12 और इधर है 8x-9, इधर है 86 और इधर है 11x-4। सभी का सम 360 होगा कि नहीं? सम ऑफ कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। तो 6x+12+11x-4+8x-9+86 इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, 6x+11x+8x, ये तीनों का सम कितना होगा? 25x। गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है ना? 12 + 86 कितना होगा? 98। और 4 और 9 कितना होगा? 13 इक्वल टू 360। 25x ये हो जाएगा 85 इक्वल टू 360। 25x 360-85, 25x इक्वल टू 275। x इक्वल टू 275/25, तो x इक्वल टू 11। बेटा इस तरीके से करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी। बताइए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सम अपॉन नंबर। अच्छा सम कितना दिया है? सम आपको निकालना पड़ेगा 39 + 51 + 33 + 47 + 32 34, 48, 39, 40, 39। कितने टोटल? 10 स्टूडेंट है ना? 10 से डिवाइड करेंगे, इनका सम कितना आएगा? 402/10, 40.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मीन? 40.2, है ना? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का मीन आ गया 40.2 kg। अच्छा मोड कैसे निकालते हैं? पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है मोड निकालने के लिए। मोड निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन है? 32। फिर है 33, 34,
39, 39, 40, 47, 48, एक छोड़ दिया मैंने, है ना, 32, 33, 51, 32, 33, 39 लिख लिया, 51 लिख लिया, 33 लिख लिया, 47 लिख लिया, 32 लिख लिया, 34 लिख लिया, 48 लिख लिया, 39, अच्छा 39 थ्री बार है। अच्छा मी मोड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोड का इसमें टर्म क्या है, इवन टर्म है ना, तो इवन टर्म में मोड का फॉर्मूला ये होता है, इवन टर्म में मोड का फॉर्मूला ये होता है, 1/2 एन वाई टू प्लस एन वाई टू प्लस 1, 1/2 एन वाई टू मतलब टेन वाई टू प्लस टेन वाई टू प्लस 1, वन बाई टू इधर फिफ्थ आएगा और इधर सिक्स आ जाएगा, 1/2 फिफ्थ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 भी 39 और 6 भी 39, 39 प्लस 39 ये हो जाएगा 78 अपॉन 2, ये मोड नहीं है सॉरी मीडियन है, ये क्या है मीडियन, मैंने इधर गलत लिख दिया है, दिस इज फॉर्मूला फॉर मीडियन, और ये 39 आ जाएगा, मीडियन कितना आया 39। अब मोड निकाला है तो मोड क्या आएगा, मोड आएगा 39 क्योंकि 39 हाईएस्ट बार है, सबसे ज्यादा बार 39 ऑकर मोर नंबर ऑफ टाइम्स, ज्यादा बार आ रहा है, सो मोड इक्वल टू 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा, फाइंड डी, इसको इरेज कर दें हम, देखिए 15th वाला, 15th वाले में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, इधर ई है, इधर 90 डिग्री है एफ, ठीक है, आपको ए भी कितना है 24, यहां से लेकर 24 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 18, 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, और डीएफ कितना है 15, आपको निकालना क्या है डीई निकालना है, डीई। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमने आपको कई बार करवाया भी है, एरिया
ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया तो सेम होगा, हम कैसे भी निकालें, ए बी सी डी विथ बेस, हम इधर बेस लेते हैं, विथ बेस बी सी, इधर हम बी सी ले रहे हैं और इधर हम बेस थोड़ा दूसरा लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल, हम सेमी का एरिया रहा ए बी सी डी विथ बेस, इधर हम बेस लेंगे ए बी। अच्छा, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, इधर भी क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। बेस आपका है इधर इस वाले में, बेस बीसी वाले में बेस है बीसी और हाइट है डीई, इधर बेस कितना है ए बी और हाइट क्या है डी एफ। अच्छा, इधर बेस बी सी को हम ए डी भी लिख सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की क्या होती है, इक्वल, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ए बी कितना दिया है 24, डी एफ कितना दिया है 15। ए डी को हम नीचे ले जा रहे हैं डिवाइड में, ए डी की वैल्यू कितनी है 18, तो 24 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 18, इधर लिख दे रहा है कि ए डी कितना है 18, इधर डिवाइड करते 6 4 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 5 जा 5 4 जा 20, 20 सेंटीमीटर आ गया डी। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। एक बच्चा पढ़ा करो, दो नहीं इकट्ठे पढ़ा करो, एक बच्चा पढ़ो कोई। हाँ देखिए, सिक्सटीन फाल देखिए, दिस इज 30, दिस इज एक्स, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज 60, दिस इज 50, दिस इज 10। अब आपको निकालने क्या है, एक्स वाई जेड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स, ए बी सी कैसा है आइसोसेल्स, ए दोनों साइड इक्वल होंगी, आइसोसेल्स में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना, ठीक है, तो एंगल जेड कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो एंगल अपोजिट
टू इक्वल साइड आर इक्वल, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब आपको निकालना है कौन सा एंगल, एक्स वाला, तो एक्स वाला एंगल कैसे निकालोगे, पहले हम वाई वाला निकाल देते हैं, पहले नहीं पहले हम एक्स वाला निकाल देते हैं। देखो एंगल एक्स इक्वल टू होगा 30 प्लस 10, 30 प्लस 10 क्यों होगा, एंगल एक्स इक्वल टू 40 डिग्री, कितना होगा 40 डिग्री एंगल एक्स क्यों होगा बेटा, इधर हम बता दे रहे ट्राइंगल ए बी डी एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आपको निकालना एंगल वाई, एंगल वाई कितना होगा, एंगल एक्स प्लस 50, एंगल एक्स कितना है 40 आया, 40 प्लस 50 तो ये 90 डिग्री। इधर भी वही सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, बस ट्राइंगल चेंज हो जाएगा, ट्राइंगल कौन सा है ADE, ADE में एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, हो गया बेटा, बाई भी आ गया, जेड भी आ गया, एक्स भी आ गया। आगे पूछिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हाँ देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन इन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 80। देखिए एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है, तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, दिस इज द फॉर्मूला 360 डिग्री, ऑर्डर कितना दिया है 80, तो आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन 20 डिग्री, कितना आंसर आ गया 20 डिग्री। सेकेंड वाला पढ़िए इसी का, वो बोला हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री विल एट हैव, एट में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी व्हेन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए बेटा पहले एट कैसा था, ऐसा, इसको जैसे ही आपने 90 डिग्री पे रोटेट किया तो 8 बन गया ऐसा। हाँ थोड़ा ऐसा हाँ ठीक है, तो फिर इधर हमने क्या किया, आपको जाना हो तो चले जाओ बेटा, है ना। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, ऐसी दो हो जाएगी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 2, तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल हैव 8, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा,
हाँ क्या लिखा है, सो दैट एंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हैज प्रूव दैट। ठीक है बेटा देखिए, 18th वाला, ए ट्राइंगल बनाए, ए बी डी सी, हम इन ट्राइंगल, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी और ए सी ट्राइंगल में जाते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी, क्या लिख देंगे, गिवन। बी डी इक्वल टू क्या है, सी डी, ए बी क्या है, गिवन। साथ में ए डी इक्वल, ए डी कॉमन कॉमन, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल ए सी डी से बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल। बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल, ठीक है ना। अब आपको कॉन्ग्रेंट होने के बाद आप एक कुछ भी चीज इसको इक्वल मान सकते हो, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी माने होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जिन ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट कर दिया उनके किसी भी पार्ट को आप क्या कर सकते हो, आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल मान सकते हो। अब आगे देखिए, इसके बाद अभी कुछ करना है। ए बेटा एडीबी और एडीसी दोनों मिलाकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एंगल एडीबी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, किस वजह से बना रहे हैं, लीनियर पेयर से। ए डी बी ए डी सी को भी ए डी बी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं। इधर टू एंगल ए डी बी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, 2a डिवाइड में आएगा तो एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए डी बी 90 डिग्री तो एंगल ए डी सी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रीड करिएगा बेटा।
नहीं बेटा, ए वाला क्वेश्चन अभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि ए क्वेश्चन, ए वाला चैप्टर मैंने करवाया नहीं अभी, है ना। हाँ आगे पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 वाला। बेटा ए भी नहीं करवा, ए भी अभी आपका ये चैप्टर नहीं हुआ इसलिए ए भी नहीं करवाएंगे। हाँ आगे। देखो दो कंसंट्रेट सर्किल हैं, एक ऐसा सर्कमफेरेंस दिया है और हमें इस रिंग का एरिया निकालना है, रिंग का ए वाला एरिया निकालना है। आपको मैं तरीका बता दे रहा हूं, पहले सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्किल रखोगे तो उसका कितना रखोगे, 88। इससे आपकी रेडियस आएगी R1। इसको सॉल्व करोगे तो इससे रेडियस आएगी R1, जैसे ऐसे सॉल्व करोगे 2 pi R = 88। तो R = 88 × 7/2 × 22। बेटा मैंने पाई की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो मल्टीप्लाई ऐसे जाएगा 482। तो रेडियस आई R1 14। अब आप ऐसे ही करोगे सरकमफेरेंस ऑफ बिगर सर्किल, बिग सर्किल का निकालोगे तो वो दिया है आपको 132। इसको R1 लिखा, इसको लिखोगे 2 pi R2, इसको दूसरा रेडियस दे दोगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 132 × 7/2 × 22। ये 6 टाइम कट जाएगा, 2 3 जा, और R2 की वैल्यू आ गई 21। फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको एरिया ऑफ रिंग निकालना है। एरिया ऑफ रिंग, रिंग का फॉर्मूला होता है पाई, जो बड़ी वाली रेडियस से वो पहले लिखेंगे, बड़ी वाली रेडियस R2 है उसको पहले लिखेंगे R2 का स्क्वायर, फिर छोटी रेडियस को बाद में लिखेंगे R1 का स्क्वायर। ये बेटा रिंग का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है रिंग का। इधर वैल्यू रख दोगे 22/7, बड़ी वाली रेडियस 21 है उसका स्क्वायर, 14 है उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। एरिया क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। ओके थैंक यू।